वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक पब्लिक क्या बोलती पब्लिक। भाई लो, आज हम भाई हम ये मेरे एक्चुअली एक्चुअली मेरे सामने आया था ये टी रैक नहीं था बेसिकली। अब ये फैन मेड है, ये कौन है ये मेरे को नहीं पता, ये खातून कौन है। आज उर्दू बोलेंगे, अब खातून कौन है। तो भाई कृष्णा के ऊपर किसी ने माशा टाइप सा बनाया और मुझे ये भूल चुका हुआ था और नचाने की पता नहीं क्योंकि मेरे फ्रंट वॉल पे आ रहा है और ये किसी चैनल ने डाला है किस मतलब ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, तो कृष्णा के ऊपर किसी ने किस गाने जोर कर मीशिप किया, तो व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स हम सुनेंगे भाई, क्यों नहीं सुनेंगे। मैंने सुनना था, मेरे को भूल गया था और फिर अचानक मेरे सामने आया तो मैंने कहा भाई हूँ आ गया, तो हूँ भूल गया ना, तो फिर हूँ लंबा ही रह जाना। तो खैर, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूँ ब्रो, इतना बकवास करके भी अब तेरे को बताना पड़ेगा ब्रो। जैसे इंडिया के पास सिकंदर है ना, सिकंदर का मतलब वो जो बंदा ना, वो समझ तरह टाइम लगता है उसको समझने। उसी तरह ना एक बंदा और है जिनका नाम है एक्सपोलिमेंटार। टार ब्रो, अगर तुम जानते हो तो फिर तो मेरे ख्याल से तुम वाकई में रैप सुनते हो, लेकिन अगर तुम नहीं जानते तो तुम गुमराही में जी रहे हो। मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ, टिप्सी नसल यार गांड मार देना अगर ना मजा आया। भाई अगर तुम कृष्णा को सुनते हो और ऐसे आर्टिस्ट को नहीं सुनते, डार सिकंदर कालो या इन लोग, कांडू किधर रह रहा तू। लिंक नीचे जाके सुन ब्रो, अपनी प्लेलिस्ट बना। ये प्रोड्यूस किया हुआ है गौरी ने, और गौरी को लोग जानते होंगे, अगर पाकिस्तान से तो आप तो जानते ही होंगे, इंडिया से भी हैं तो आप जानते ही होंगे। तो एक्सपोलिमेंट डार ब्रो जाओ नीचे सुनो, टिप्सी नसल बेस्ट यार। ज़रा समझने में टाइम लगेगा, अगर तुम कृष्णा को सुनते हो तो तुम्हें कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, तो जाओ नीचे सुनो। खैर, अब हम सुनने वाले हैं कृष्णा के ऊपर जो मॉशअप बनाया हुआ है। ये खातून कौन है ब्रो, इनका मेरे को बताओ ये कौन है। तो खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, बिना टाइम जाया किए बाबा जी। यस कमांडो। देख के मुझे मत भौंक, एक शब्द बोले अब दैट्स टू मच टॉक, जीता हूं बॉयज मेरा ब्लॉक करे रैप साउथ वेस्ट, दैट्स टू मच सस। दिल में भरा है खौफ, तो बड़ा है सॉफ्ट, तो डरा है बहुत, तुमको चढ़ा है शौक, तो लगा है चौक। ये यार ये फैन है या कोई आर्टिस्ट है, इनकी आवाज कितनी खूबसूरत है यार। दिल में भरा है खौफ, तो बड़ा है सॉफ्ट, तो डरा है बहुत, तुमको चढ़ा है शौक, तो लगा है चौक। ये गाना है सजा है मौत, इस खेल का मविलन हवेलन या तो ये बहुत कमाल किस्म की आर्टिस्ट है, या तो ये वो गाने अक्सर इंस्टाग्राम पे लड़कियां क्यों नहीं गाती फिर वो फेमस हो जाती हैं, वो है कुछ है जरूर, कुछ है जरूर, कुछ मसला है। ये इतना सुरीला बंदा कभी नहीं हो सकता, इतना इतना मजेदार गा ही नहीं सकता कोई। एक्वाफिना का मैं एक देख रहा था, मैं भी क्योंकि देखता रहता हूँ व्यूज चोरों को, तो सो मेरे की बोते पैर जो गाली खत्म। वो एक ट्रैक था ना जिसमें मैं बोला था तेरे आठ गाने, वो था ना, मैं लाइन ही नहीं बोलूंगा यार, फिर रोना डाल जाता कोई ना कोई। मेरा नाम बोल एक बारी मौत है, मेरी बातों में तू दम मेरा, मेरे गानों में तू दम मेरा, कृष्णा अब हर जगह जा, लगता है ना इस बार
कृष्णा नहीं, मैं तुम लोगों को एक बात बताऊँ, ये लाइन ना इस तरह हम लेंगे कि कृष्णा हर जगह छा रहा है किसी बात का हम है, कृष्णा तो छा रहा है, जो कृष्णा ने, कृष्णा और मैं मुफर का भी नाम लूंगा भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आके जो रैप का सीन चेंज कर दिया हुआ ना हिंदुस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान इसलिए बोलूँगा, देखो यार देसी हिप हॉप है लेकिन हर एक बाउंड्री होती है उसके बीच में लोग निकालते हैं, तो देसी हिप हॉप के अंदर तो किया किया जैसे वायस ने पाकिस्तान का चेंज किया, लोग अब जोर डालते हैं, मतलब देखते हैं वायस को, कितने लोग आने वाले 10 सालों में इनको ही देख कर सीखेंगे, तो कृष्णा और मूफार ने लिरिकली रैप इतना जगाया है। मैं ये नहीं कहता कि खाली इन्होंने काम किया, ऑब्वियसली हर एक आर्टिस्ट काम करता है और कहीं ना कहीं अपनापन दे के चला जाता है, लेकिन अभी इस वक्त इन दोनों ने, इन तीन चार लोगों ने तो कृष्णा ने उसने जो लिरिकली रैप रखा ना ब्रो, कुछ फुद्दू लोग हैं जो बोलते हैं कि बहन चो लिरिकल यार, इन गांडों को थोड़ा, मैं मेरी अंग्रेजी टूटी फूटी बहन चो, फिर भी मैं जाके बाहर सुनता हूँ कोल की एल्बम, भाई मैं पोज कर करके सुनी भाई, मेरे को सुनने का मेरे को समझ है, ठीक है ना, तो इन गांडू लोगों को भेजो उधर, सही बात है कि तो सुनो यार, मतलब रोल अप यार, देखो तारीफ करनी पड़ती है जहाँ पे बनती है, जहाँ पे बनती है, जहाँ नहीं बनती लन पे चढ़ की किस्मत, जेनुइन बात है भाई, ये तो जेनुइन में बहुत बोलता हूँ यार, एक कमर्शियल ट्रैक यू नो ब्रो टी रैक कमर्शियल ट्रैक के अंदर उसने इतने अच्छे बार्स रखे जिसकी को हाथ, उसने कहा कि हाथ मैंने ढीला रखा, लेकिन ये हाथ ढीला भी इतनी जोर का छपे कहते हैं ढीला हाथ ज्यादा छपे का जोर का बचता, तो बोला सा तरस गया बहनचो दुनिया को समझाते हुए, लेकिन नहीं चूत मरानी के चूत मरानी, अगले 10 साल में अगर इन लोगों ने अब्बू जी ना माना ना इसे, मेरा नाम बदल दें, शीशे नीचे पूरे नाइट में तो राइट टू स्लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बोले लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या उनकी सोच, आई डोंट रियली केयर व्हाट दे थिंक अबाउट मी, क्योंकि ये तो मेरे पैर तो थिंक अबाउट मी, आई जस्ट हैड अ ड्रीम सिंस आई वाज जस्ट अ टीन, कहना चाहता था मैं रैप बनाना चाहता था मैं सीन, या आई जस्ट हैड अ ड्रीम जब इनको ना यकीन, पुट माय सिटी ऑन माय बैक, गॉड सीन है हसीन, लिविंग लेजेंड Living legend, tera bhai. Living legend. Living legend till I die. Dala dala sign. अरे भाई ये मेरे को जानने का, इनका नाम क्या सिंगर, इनको मैं ढूंढता हूँ भाई, इनको मैंने जिंदगी में मेरे ख्याल से पहली दफा मैं सुन रहा हूँ, हाँ तो ये भाई कोई कलाकार जरूर होंगी, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत आवाज और इतना ये, मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने, हाँ कोई आर्टिस्ट जरूर होंगी ब्रो, गूगल पे निकल के देख ले, म्यूजिकल मैं क्या सी ना, इन्होंने कितने सॉन्ग 2020-21 में गाया करने पा रही है, अंत में यार इन्होंने कलमकार में भी गाना गाया हुआ, लगे गए अच्छा मुझे यार, मेरा ध्यान पता है क्या, मैं इस वक्त बाकी में मैंने कलमकार की बड़ी देर हो गई, मैंने खोला ही नहीं पेज, क्योंकि एक तो वैसे ही उन्होंने खुद भी बोला हुआ कि हम डाउन हुए हैं, सीन हमारा जरा फिर बस आ जाओ यार, अब आ जाओ अब तक मैं, तो ये इन्होंने गाया हुआ है ब्रो, इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने मोहब्बत में उनकी मेरे ख्याल से बहुत बड़ी फैन होंगी, सो इनका कलमकार पे गाना है ब्रो, सुनते हैं इंशाल्लाह, तो हाँ खूबसूरत यार, देखो मेरे को हमेशा, मैं कुत्तों की तरह एक चीज़ बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा, रैप के अंदर कुछ पहचो एक दाना भी कोई डालता ना मेरे को खुशी हो, पर वो टॉक्सिक ना हो, वो चीज़ एक दाना भी डालो बहुत है भाई, बाजरे की तरह एक दाना नहीं होता वो डाली मुझे बहुत खुशी होती, और जो माशाल्लाह इन जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो कमाल ही लोग होते हैं, खूबसूरत किस्म की आवाज़ है यार, खूबसूरत मुझे वाकई में यार, कभी कभी होता है ना किसी लड़की की आवाज़ सुन के बंदा कहता है कि आई लव यू 3,
ठीक है ना, वो वाला साहब हुआ मैं सर। सो हाँ भाई खूबसूरत है, आप लोगों में से कई लोगों ने सुन लिया होगा, ये इंस्टाग्राम पे आई जी टी वी उस पर डाला, तो आप लोगों ने कई लोगों ने सुन लिया होगा। अगर आपने नहीं सुना हुआ तो भाई मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जाके सुन लो कलमकार लाइट। भाई नाम तो देखो चैनल का क्या रखा हुआ है, तो जाओ यार इसने डाला है और इसकी वीडियो पे जाके देखें आप लोग और डाउनलोड करें अगर आपको पसंद आता है। मैं तो आप लोगों किसी अगली वीडियो पे टिप्सी नस्ल नीचे है ब्रो, समझ रहे हो, जाके ओते सुन शुरू बाबा जी, यस कमांड।